LCM of two number is 56 times their HCF. Agar with the sum of their HCF and LCM being 1710, bola if one of the number is 240, तो बोला सेकंड नंबर निकालने बोल रहा है. तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या आता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ आता है, होता है. तो फर्स्ट नंबर दिया गया, फर्स्ट नंबर कितना दिया गया, 240. क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर निकालना है. सेकंड नंबर मान लेते हैं एक्स, ठीक है, पर एलसीएम और एचसीएफ हमें पता नहीं है. क्या नहीं पता है, एलसीएम और एचसीएफ कितना एलसीएम होगा कितना एचसीएफ होगा. तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डाटा दिया गया ना उससे निकालने की कोशिश करेंगे. क्या डाटा बोल रहा था कि एलसीएम ऑफ टू नंबर, क्या बोल रहा है, 56 टाइम्स ऑफ देयर एचसीएफ. तो मान लेते हैं अगर एचसीएफ एक्स है, एचसीएफ को मान लेते हैं एक्स लिख रहे हैं, ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 56 एक्स हो जाएगा. यही बोला गया था ना, 56 टाइम्स कितना है एचसीएफ से एलसीएम में, ऐसा है. फिर अगला क्या बोलेगा कंडीशन, कि दोनों का अगर सम करेंगे, तो दोनों को अगर सम कर देंगे तो किसके बराबर है, 1710 के बराबर है. सो क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे. तो सोल्व करेंगे क्या, 57x हो जाएगा. 57x बराबर क्या, 1710 हो गया. लेकिन ये क्या हो जाएगा, 30 बार में ये कट जाएगा, ठीक है. तो x का वैल्यू क्या आ गया, 30 आ गया. मतलब क्या हो गया, एच सी एफ 30, ठीक है. एलसीएम क्या हो जाएगा, 56 गुना 30 हो जाएगा, यही होगा ना. एलसीएम क्या होगा, 56 गुना x का वैल्यू 30. सोल्व कर लेंगे, बहुत यही था हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है. देखेंगे 30 बार में काटेंगे 30, 8 बार में काटेगा 8 बार में काटेंगे इसको, देखेंगे 7 बार में काटेगा 8, 7, 56. तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 21 आ गया, मतलब 210, जो कि ऑप्शन नंबर डी है.